हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय चैनल। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग का टॉपिक वही है, रैंडम रीडिंग है। बिना किसी देरी के हम रीडिंग कर लेते हैं और क्या ही कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, वो कैंडल वैक्स की रीडिंग करी हमने आप लोगों के लिए, जाके देख लीजिएगा क्या करेंगे देख के। वैसे क्या करेंगे देख के, वैसे हम ज़मीन पर ही हैं और यहाँ पर ये कुर्सी है। कुर्सी देखेंगे क्या करेंगे देख के। कुर्सी का जो हम बता रहे हैं, कुर्सी ये है, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या दिक्कत हुई है। ये कुर्सी है और इसका जो ये, इसका एक ऐसे ऐसे हो रहा है, ये समझ गए। इसका नीचे का एक तो वो हो गया है और ये एक इसका एक पैर खुल गया था, ठीक है। इसका एक, अरे यार, इसका एक ये टांग खुल गया था। अभी पता नहीं जिसको वेल्डिंग लगाया उसने ये बताया, ये सीट खोल दी है और ये टिकी हुई है अभी सीट ऐसे हैं इसके ऊपर। पर हम अगर गिर गए तो, ठीक है, तो ये दिक्कत है। इसलिए हम ज़मीन पे ही हैं और वैसे भी सीट इसकी पता नहीं ऐसे ऐसे करके खुली हुई है, हैं। अगर गिर गिरा गए तो हमारे पिछवाड़े के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वैसे ही हमारी कमर टूटी हुई है, ऊपर से हमारा पिछवाड़ा भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर हम क्या ही करेंगे। तो इसलिए है हम ज़मीन पे बैठे हैं। टिका तो हुआ है हमारा पिछवाड़ा, कम से कम यहाँ तो ज़मीन तो नहीं सरकेगी ना। वैसे इसका भी कोई भरोसा तो है नहीं, कब क्या सरक जाए। तो ये है, ठीक है। तो अब जो है हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं, रैंडम रीडिंग है, रीडिंग का टॉपिक। तो ये वाला डेक नहीं लेते हैं यार, वो ये वापस से डंडा पकड़ के कोई खड़ा हो जाएगा, है ना। ये देखो अभी करा था ना रीडिंग, ये उसी का है। तुम दूसरा वाला रीड, वो पेज ऑफ सोर्ड्स नज़र है, इसके नीचे वाला कार्ड दिख गया। तो आप लोगों पे बहुत लोगों की नज़र है भाई, हमने आपको बोला ही था, यू आर बीइंग वॉच्ड। कैंडल वैक्स में भी आया, ये देखो कैंडल अभी तक यहीं पर है, नहीं हटाया हमने इसको। वीडियो अपलोड कर रहे थे ना, तो वो सब कर रहे थे मोबाइल पे, तुम इधर ही रह गए, वो देख रहे हैं। देखा बाल, हमने बोला था ना बाल झड़ रहे हैं, हम चोटी बना के बैठे हैं, क्या करें आप। तो देखते हैं, और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके देख लीजिएगा, हमने उसमें कुछ जो है चीज़ें चेंज भी करी हैं। हैं चेंज मतलब कुछ ऐसा खतरनाक सा चेंज नहीं है, वो जो 1555 वाला रीडिंग है ना, जिसमें हम 8 क्वेश्चन की रीडिंग देते हैं आपको मेल पे, हैं, उसको हमने चेंज कर दिया है। क्योंकि कुछ लोगों की बड़ी फरमाइश आ रही थी कि हाफ आवर का सेशन दे दो, तो अब हाफ आवर के लिए हम वो 2500 रुपये नहीं ले सकते ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो क्योंकि मेल पे, देखिए मेल पे बात करने में और मेल पे रीडिंग पे ना एक फ़र्क होता है, लोगों को लगता है। वैसे जिन्होंने हमसे मेल पे रीडिंग ली है उनको कभी दिक्कत तो आई नहीं है, वो खुश हुए हैं हमारे, क्योंकि आप वो हमारी, हम इतना तो रीडिंग में डिलीवर करते हैं कि इंसान को ना जो पैसे देने के बाद ये अफसोस ना हो कि यार इतना पैसा पे किया और कैसी ही रीडिंग आई है, 2 शब्द के जवाब आ गए कि नॉट दिस ईयर, एंड ऑफ दिस ईयर, या फिर वही हाँ नाम है। तो हमारा तो बस बड़ा सा आंसर होता है डिटेल में, लेकिन हर किसी के लिए हर टाइप की रीडिंग है, हैं। लेकिन वही है कि कुछ लोगों को डायरेक्ट बात करके रीडिंग लेनी होती है ना, हम समझ पाते हैं, और उसके लिए अब आधे घंटे के सेशन के लिए हम किसी से 2500 रुपये तो नहीं ले सकते ना, वो जायज़ नहीं है। फिर वही है, लुटेरों में शामिल हमको शुमार कर दिया जाएगा, हैं। लेकिन है तो देखिए, वो भी एक तरह से अब जो है हमारी भी एनर्जी लगती है, लेकिन आधे घंटे की रीडिंग के लिए अब हम फुल रीडिंग लेते हैं ना, 1 आवर के सेशन के लिए। आपको पता है 2555 वाली रीडिंग जो है ना, वो फुल आवर के सेशन के लिए, पूरा 1 घंटा हम बात करते हैं उसमें। आप अनलिमिटेड कितने भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, अपना कुछ भी बता सकते हैं, हैं। तो हमने एक हाफ आवर वाली रीडिंग भी कर दिया, वो जो 8 क्वेश्चन जो 1555 में थी ना, 8 क्वेश्चन की रीडिंग जो 1555 में थी, उस रीडिंग को हमने वो कर दिया है, क्लोज कर दिया है मेल पे। तो अब जो है आपको 1777 पे आधे घंटे का सेशन मिल जाएगा कॉल पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉल पे बात करनी होती है ना, हम समझते हैं, और फिर वो 2500 रुपये सही नहीं रहता है।
तो हमने एक रीज़नेबल सा ही रेट रखा है। देखिए 1555 में हम 8 क्वेश्चन देते थे, आधे घंटे में तो इंसान कम से कम 10 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है, तो उस हिसाब से हमने 1777 का प्राइस रखा है। तो जो लोग आधे घंटे का सेशन बुक करना चाहते हैं तो वो 1777 में बुक कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, देखिए कुछ लोग 15 दिन में रीडिंग लेने का हमको मेल करते हैं ना कि लास्ट रीडिंग हमने अभी कुछ दिन पहले लिया था तो अब हमको रीडिंग चाहिए। 15 दिन में 20 दिन में यार, नहीं यार, नहीं प्लीज़। देखो हम पैसों के लालची नहीं है, लेकिन लालच की बात नहीं है, हार्ड अर्न मनी होती है। एक एक पैसा कमाना कितना मेहनत है यार, कितना मुश्किल से पैसा आता है, उसको इस तरीके से वेस्ट मत कीजिए। जब बहुत ज़रूरी हो तब रीडिंग लीजिए, कम से कम 3 महीने से पहले एक रीडिंग मत लिया करिए। हमको कितनी बार हम आपको बता चुके हैं लेकिन आप लोग नहीं समझते हैं। वो हमको समझ आता है कि आप लोग डेस्परेट होते हैं इसलिए आप लोग नहीं समझते हैं, लेकिन टैरो एनर्जीज पे बेस्ड होती है। रोज़ हम आपको फ्री रीडिंग डिलीवर कर रहे हैं ना यूट्यूब पे, आपको गाइडेंस मिल जाती है ना, इसमें से कुछ चीज़ें अपने ऊपर ले लीजिए, हो सकता है कोई ना कोई चीज़ें आप लोगों के लिए गाइडेंस के तौर पे हो। बार बार रीडिंग लेने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और बार बार मल्टीपल टैरो रीडर्स के पास जाने से भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचेंगे मिनी तो रीडिंग दे नहीं रही है, 15 दिन पहले ली है, हम किसी और के पास चले जाते हैं। पैसा तो आपका है ना, क्यों वेस्ट करना है पैसा, क्यों वेस्ट करना है, भविष्य में आप ही के काम आएगा, उसको बचाइए। देखिए लक्ष्मी माता भी देखती हैं कि आप अपना पैसा कहाँ किस प्रकार से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आप हमारी बात सुनते हैं ना, तो इतना भी सुनिए। 3 महीने से पहले ना कभी भी रीडिंग मत लीजिए, और अगर तब 3 महीने 4 महीना हो गया है फिर हम तो आपको खुद ही बताते हैं कि चलिए रीडिंग लिया था, कितना टाइम हो गया, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम लोगों को, आप लोगों को भी मालूम है, आप लोग ये रीडिंग देखेंगे तो आप लोग खुद रिलेटेबल रिलेट कर पाएंगे कि हम किन किन से लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट आप लोगों को मेल पर जवाब दे दिया है कि रीडिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। जिन्होंने हमको कॉन्टैक्ट किया है 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर, हमने डायरेक्ट साफ 2 टूक जवाब दे दिया है कि हम रीडिंग नहीं करेंगे, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। अरे लेट द एनर्जी शिफ्ट यार प्लीज़, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा लेक्चर आप पता नहीं क्यों हमको इतना बुलवाते हो यार, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, पता है ना। हमारे लिए हमारा क्या है, हम तो कर देंगे, लेकिन एक डिविनेशन टूल होता है। बार बार 15 दिन के अंदर आप वो एनर्जीज को शिफ्ट होने का वो लेके बैठे हैं और आपको लगता है कि एंजल्स आपको जवाब देंगे, हैं ऐसे थोड़ी होता है। 3 महीने का समय, 3 महीने कितना टाइम लगता है बीतने में, जब बहुत ज़रूरी ना हो तब तक मत रीडिंग लीजिए। अगर तो बहुत अर्जेंट है वो चलिए बर्दाश्त, काबिल बर्दाश्त होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को तो आपको मालूम है ना, हम हर किसी को पहले बता देते हैं। तो अगर आप लोगों की बहुत इमरजेंसी होती है फिर आप हमको मेल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों में से ज़्यादातर लोग मान जाते हैं कि सॉरी, आप लोगों का मैसेज आ जाता है कि दीदी सॉरी सॉरी, आप जैसा बोलेंगे वैसा ठीक है, 3 महीने से अब हम आपको 3 महीने बाद ही कॉन्टैक्ट करेंगे, तो वो हिसाब होता है, ठीक है। एटलीस्ट 45 डेज का टाइम लगना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बाकी टैरो की वैलिडिटी अगर आप देखें ना तो 3 मंथ्स की एनर्जीज की वैलिडिटी होती ही है। बहुत इमरजेंसी है कि क्या कार्ड था भाई, मून था क्या, मून था, देखा बिल्कुल कैंडल वैक्स वाली फीलिंग आ रही है। हमने तब भी आपको बोला था ना मून का कार्ड आएगा, डेविल का कार्ड आएगा, हाई प्रीस्टेस मैजिशियन का कार्ड आएगा, अभी देखो। खैर देखते हैं, ठीक है, अब हम जो कार्ड आएंगे वो लेंगे। अरे आ गया, चलिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है पहला कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कार्ड अच्छी तरीके से जंप ऑन होके आ रहे हैं, टावर आ गया है जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ टावर। चीज़ें जिसके लिए आप पैशनेट हैं वो आपको करने नहीं दिया जा रहा है, सत्ता पलट रही है किसी की, किसी का वो बोलते हैं ना सत्ता पलट रही है, किसी की कुर्सी छीन रही है, किसी की कुर्सी पलट गई, हमारी भी पलट गई देखो।
पलट ही तो गई है ना उसकी, एक टांग उड़ उखड़ गई, वेल्डिंग होके आई है लेकिन अभी गद्दा ही उखड़ गया, बताओ हैं कहाँ रखेंगे हम अपना पिछवाड़ा, बताइए। 60 रुपये का खर्चा हुआ है वेल्डिंग कराने में, मम्मी तो यही बता रही थी 60 रुपीज़ ओनली। टेन ऑफ सोर्ड्स, बैक स्टैबिंग की एनर्जीज हैं, बहुत बहुत बुरी तरीके से घायल किया गया है, बहुत बुरी तरीके से आप लोगों को तोड़ा गया है, ठीक है। आप लोग एक उम्मीद में है कि चीज़ें जाके आगे ठीक हो जाएंगी, क्योंकि 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड देखा था, अभी क्या दिखाई दे रहा है, टेम्परेंस। अच्छा, टावर स्कॉर्पियो, टेम्परेंस सेजिटेरियस, ठीक है, ये कुछ मेजर अरकाना की एनर्जीज हम बता रहे हैं। दो कार्ड हैं, ये तब भी दिखाई दिया था हमें हायरोफेंट, उसमें मतलब वो जब हम, अगर आपने नहीं देखा है कैंडल वैक्स जाके देखिएगा, जब हम स्प्लिट कर रहे थे कार्ड्स को बीच बीच में हम इंट्यूटिवली, तो हमको हायरोफेंट का कार्ड भी दिखाई दिया था, यहाँ पे भी हायरोफेंट का कार्ड है। यू आर बीइंग वॉच्ड बाय मैनी पीपल, ठीक है। एरीज, टॉरस, थ्री ऑफ वांड्स, अरे यार आप अभी कार्ड हम ले लेते हैं। बिल्कुल आपके, मतलब आपके ऐसा होता है ना, भूखे शेर के मुंह से खाने का निवाला छीन लेना, पता नहीं किसके लिए क्या है, लेकिन हमको ऐसी एनर्जीज लगी है जैसे आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आई और उसको कोई और छीन के ले गया। पता नहीं, ये बात का कोई सेंस बन रहा है कि नहीं, लेकिन हमें ऐसा इन कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है जैसे हाथ आया, लेकिन ये देखो मून बॉटम ऑफ द डेक, ये बार बार ये कार्ड हमको बार बार दिखा रहा है, ये कार्ड ले लेना चाहिए, ठीक है, हमने ले लिया है। आपके ऊपर ना पहली बात तो जो ये खासकर ये मून वाले फेजेस आते हैं ना, इस दौरान पे आपके ऊपर बहुत अच्छी वाली किसी की बहुत ही इविल एनर्जीज, इविल इंटेंशंस वाली साजिशों का जो है आपके ऊपर अच्छा खासा प्रहार किया जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। चल क्या है, टेन ऑफ वॉन्ड्स है, टेन ऑफ सोर्ड्स भी है, देखा आपके ऊपर, मतलब लिटरली टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, यार आपकी ना जो आपके चेहरे की जो मुस्कान है ना, वो किसी के नाकाबिले बर्दाश्त है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जो एनर्जीज ग्रैब कर रहे हैं ना वही है, आपकी मुस्कान किसी के दिल पे ऐसे, मतलब इतने सारे वार किए जाते हैं, किसी का दिल एकदम छिल जाता है आपको मुस्कुराते हुए देखने से। कौन है ये, किसकी एनर्जीज है भाई, आपकी हंसी बर्दाश्त ही नहीं होती है किसी से। सैजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। पाइसिस एनर्जी भी है यहाँ पे, मून का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स, देखा कितना कितना रूड, मैच ही नहीं है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और किंग ऑफ सोर्ड्स है। आपका ग्लो, आपका ऑरा, आपकी ये पॉजिटिविटी आप नहीं बर्दाश्त होगी किसी से। टू ऑफ सोर्ड्स, ये टॉरस हो सकते हैं कोई,
बहुत स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस टॉरस पर्सन हो सकता है, इनके चार्ट्स में हो सकता है, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स, ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी हो सकता है कभी रहे हों, ठीक है। पुरानी एनर्जी ज़्यादा है टेन ऑफ सोर्ड्स और टेन ऑफ वॉन्ड्स से, बिल्कुल इनके साथ आपका अभी कोई लेना देना नहीं है, आप इस पर्सन से बात नहीं करते हैं अभी, हाल फिलहाल में आपकी इनसे कोई बातचीत नहीं है, बिल्कुल स्टॉप है, ये वो प्राणी है, ठीक है। द फूल, ओके, तो ये पर्सन आपसे दोबारा से चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, रीस्टार्ट। दिस इज़ अ वार्निंग गाइस, दिस इज़ अ ट्रैप, मत फंसिएगा ये जो भी पर्सन है, खासकर अगर ये टॉरस और सैजिटेरियस है तो बिल्कुल नहीं, नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। इनके चार्ट्स में अगर है तो बहुत ख़तरनाक इंसान हो सकते हैं आपके लिए आगे आने वाले समय में, ठीक है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बैलेंस द यू नो क्लीन द एयर, ठीक है, वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट इंटेंशंस आर नॉट गुड, नॉट प्योर, क्योंकि मून का कार्ड है यहाँ पे, थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, हमने आपको बोला ना कि ये पर्सन आप पे नज़र रखते हैं, ये पर्सन कुछ बस इनकी इंटेंशंस बहुत बुरी हैं, ये वापस से आपको छील के नहीं, लिटरली आपकी आपका ये हश्र करके निकलेंगे। ये कार्ड आप देख रहे हैं, ये टेन ऑफ सोर्ड्स है, तो समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं, समझ जाएंगे। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं क्या है, ये पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। और हमने अभी आपको बोला था ना कि राइडर वेट में हमको पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाई दिया था कि कोई आप पे बहुत गंदी वाली नज़र रखे हुए है, ये टॉरस हो सकता है कोई खासकर, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड है, ठीक है, हायरोफेंट का कार्ड है, और ये हायरोफेंट पे आपको यहाँ पे ऑब्वियसली एक आई दिखाई दे रहा होगा। हायरोफेंट का कार्ड कितना पॉजिटिव वाइब देता है, यहाँ पे इस डेक में पॉजिटिव वाइब्स नहीं है, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके बारे में दूसरे लोगों से भी बहुत बातें कर रहे हैं इस समय, ठीक है। कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे आपके, म्यूचुअल दोस्त, म्यूचुअल फ्रेनिमीज, ठीक है, जिनको आप भी जानते थे, ये पर्सन भी जानता था या जानते जो भी है, और ये अभी उनसे भी आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में अफवाहें फैलाने के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स आके गिरा था, ठीक है, टेन ऑफ सोर्ड्स, फूल, देखा ये पर्सन कितना डेस्परेट है आपकी लाइफ में हाजिर होने के लिए, आपको समझ आ रहा है, ये पर्सन कितना डेस्परेट है आपकी लाइफ में हाजिर होने के लिए, दोबारा से रीअपियर होने के लिए। डोंट एंटरटेन दिस पर्सन, ठीक है, ऐसे इंसान को बिल्कुल भी एंटरटेन, देखा हम इसीलिए बोलते हैं ना कि जो एनर्जीज़ कुछ ग्रैब हो जाती हैं, अच्छा है हम रैंडम रीडिंग के लिए आ गए, हमारा कोई इरादा नहीं था, हमने सोचा था कैंडल वैक्स कर दिया ना, एक दिन में एक रीडिंग, ठीक है, इनफ है, मोर देन इनफ है, बट समहाउ हमको ऐसा लगा कि हमको रैंडम रीडिंग के लिए आना चाहिए। एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन तो है, हीटेड अप कम्युनिकेशन, हम तो बोलेंगे कि कम्युनिकेशन करो ही मत यार, बात करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये पर्सन आते हैं आपकी तरफ आपको पहला थॉट आ जाएगा ये कौन पर्सन हो सकते हैं। लिटरली लव वाली वाइब्स नहीं लग रही हैं, ये पर्सन वन साइडेड, हमने कैंडल वैक्स में भी ग्रैब की थी ऐसी एनर्जीज की, कोई वन साइडेड आपकी लाइफ में कोई पर्सन रहे होंगे, ठीक है। इनकी बहुत इविल इंटेंशंस है, बहुत नेगेटिव स्पेल्स, ब्लैक मैजिक वगैरह में ये पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये पर्सन आप पे छुप छुप के नज़र रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, पता है आपको सोशल मीडिया पे अगर आप कहीं हैं तो आपको देखते होंगे ये पर्सन, और इनसे आपकी एनर्जीज बर्दाश्त नहीं हो रही है। माइट बी पॉसिबल कि ये पर्सन मैरिड है, फोर ऑफ कप्स,
ये पर्सन अपना पास्ट नहीं भुला पाए हैं, मतलब आपके साथ इनका जो भी रिलेशनशिप पहले रहा है। देखिए, हमने आपको पहले ही बोला है कि ये वन साइडेड कहीं से, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन की आपकी तरफ हो सकता है कुछ फीलिंग्स रही हो, ठीक है। बिल्कुल डर वाली वाइब्स आ रही है। डर डर मूवी देखी है आपने? किरण, ठीक है, समझे? तो उसमें जो शाहरुख खान की एनर्जीज हैं, देखिए शाहरुख खान वॉज नॉट द हीरो ऑफ द पिक्चर, वो हीरो नहीं था पिक्चर का, ठीक है। तो ये गलत फहमी में मत रहिए कि डर का हीरो शाहरुख खान, नहीं, डर में वो विलेन था, ठीक है। डर का हीरो सनी देओल था, ठीक है। तो ये ज़रा देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज क्या हैं। टू ऑफ वांड्स, पिक्चर में दो लोग तो हैं, खैर अभी अगर आप किसी और में इन्वॉल्व हैं तो ये पर्सन बर्दाश्त नहीं होता इनसे। अगर आप अभी सिंगल हैं तो इन्हीं का किया कराया है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहते कि आप आपकी लाइफ में कोई आए, ठीक है। ये पर्सन आपको किसी के साथ देख नहीं सकते, पहली बात। और दूसरी बात, ये पर्सन इस पर्सन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप सोशल मीडिया में कहीं पर हैं तो ये आपको देखते हैं और इनसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। ऐसी एनर्जीज हमने पिछले कुछ दिनों में भी, पिछले कुछ दिन पहले भी हमने ग्रैब की थी, ऐसी एनर्जीज किसी की आई थी। अभी लिटरली ये पर्सन वापस से आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है, तो आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। क्या एनर्जीज प्रोटेक्ट करेंगे यार, क्या करेंगे आप घंटा। दूसरी बात, ये पर्सन में थोड़ी सी लस्टफुल वाइब्स है, ठीक है। ये पर्सन ने कभी दावा किया होगा कि दिस पर्सन लव्स यू, बट दिस पर्सन हैड लॉट ऑफ लस्ट टुवर्ड्स यू। तो ये प्यार नहीं है। और पहली बात, जो इंसान कभी किसी से प्यार करता है ना, वो उस सामने वाले का अच्छा सोचता है। देखिए, आपको लगता होगा ना कि ये प्यार है, कैसा प्यार है भाई, पागल वाला प्यार है। अरे यार, जिससे आप प्यार करते हैं ना, आप उसका हमेशा अच्छा सोचेंगे, उसके बारे में हमेशा किसी को भी कभी कुछ गलत नहीं बोलेंगे, उसके लिए अच्छा सोचेंगे, उसके लिए अच्छा बोलेंगे, उसके लिए अच्छा सुनेंगे। कोई और कितना भी आपको उस पर्सन ने छीला हो, कितना भी तकलीफ़ दिया हो, कोई और अगर उस पर्सन के लिए एक शब्द गलत बोल देगा तो आप लड़ जाएंगे, आप बोलेंगे कि प्लीज़ उसको कुछ मत बोलो। तो वो प्यार होता है, सी द ब्यूटी ऑफ दैट लव, वो कितना अच्छा होता है। हमारे सागर भाई को ले लो एग्जाम्पल है, जीते जाते एग्जाम्पल है हमारे कर्मा बिलीवर्स में। सागर भाई को ले लो यार, मतलब लिटरली रीडिंग में कुछ भी आए वो हमेशा डिफेंड करने के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं, द पर्सन ही लव्स इज द ओनली वन ही लव्ड, ही लव्स एंड ही विल यू नो लव हर फॉर एवर। तो मतलब उसी के साथ जीने मरने का वो सोचते हैं, कभी कुछ गलत सोच नहीं सकते। रीडिंग में कुछ भी आए वो कहते हैं हम उसी के लिए जिएंगे मरेंगे, उसी, वो ही हमारा सब कुछ है। पता नहीं उन्होंने उनका कितना दिल छीला हो नहीं छीला हो, देखिए हम लोगों को तो सबकी स्टोरी का नहीं मालूम है, लेकिन सी दैट ब्यूटी ऑफ दैट लव, है ना, सी दैट प्योरिटी ऑफ दैट लव, ये होता है प्यार। ये 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 प्यार का दावा कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो सो कॉल्ड पर्सन है जो सोचते हैं कि ये, मतलब इनको लगता है कि आप इनके नहीं हो सके तो किसी और के नहीं हो सकते। ये पर्सन आप पे छुप छुप के नज़र रखते हैं, पहली बात। ये प्यार होता है, पता है, ये आप समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। ये वो लस्टफुल वाइब्स आती हैं, ये बहुत ही टॉक्सिक लोग होते हैं जो आपको ऐसे गंदी नज़र से देखते हैं, तो ये तो प्यार है ही नहीं, ठीक है, पहली बात। तो ऑब्वियसली पिक्चर में दो लोग तो हैं, और एक पर्सन ऐसा है जो शायद आप किसी की, या तो आप किसी की रिलेशनशिप में अभी किसी के साथ हैं, या आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, बट ये पर्सन से ये बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ एनवियस एंड जेलस एनर्जीज फॉर यू, और ये आपका अच्छा नहीं सोचते हैं। और हम क्या बोलें, ट्यूसडे है आज, ट्यूसडे है तो क्या हो गया यार, भगवान जी का कोई पर्टिकुलर दिन नहीं होना चाहिए। भगवान जी को मांगने का, भगवान जी को कुछ बोलने का, उनसे कुछ अर्जी लगाने का
कोई पर्टिकुलर दिन स्पेसिफिकली नहीं होना चाहिए कि हम ट्यूसडे को जाके रील करें वो करें, तो भगवान जी तो हर समय अवेलेबल होने चाहिए ना, हर समय मतलब उपलब्ध हैं, हैं आप लोगों के दिल में हैं, लेकिन ये किस तरीके का एनर्जीज है बताइए। भगवान जी को कभी कभार हमें लगता है कि दिखाई नहीं देता है, क्या है दिखाई नहीं देता है हमको, उनको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक और इविल इंटेंशंस जिसके होते हैं वो अपनी चीज़ों में कामयाब होते हैं ना। हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, जिनके ब्रदर के ऊपर लिटरली ब्लैक मैजिक किया गया है, जिनके खुद के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, और वो इतने स्पिरिचुअल हैं, भगवान जी के मंदिर जाते हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ये दर्शन वो दर्शन, यहाँ का व्रत उधर का व्रत, पहला सोमवार अगला शुक्रवार, लेकिन ब्लैक मैजिक हो रहा है। चाहे वो टेम्पररी हो, दो दिन तीन दिन के लिए हो, काहे काहे कहाँ प्रोटेक्शन है भाई भगवान की, फिर भगवान का वो डोल जाता है ना फिर वो चीज़ें, फिर वो यही लगता है ना कि हमने यार किसी का आज तक बुरा नहीं किया यार, हम लोगों के साथ ही ऐसा हो रहा है यार, है अरे यार करो जिसको डेथ स्पेल करना है एक बार में निपटाओ यार, ये रोज़ रोज़ के तमाशेबाजी अच्छी नहीं लगती, जो करना है एक बार में करो यार। हैं अमर फल तो तुम भी नहीं खा के आए, मरोगे तो तुम भी, ये अलग बात है कि हमारे ऊपर तुम हमको तुम ऐसे ही ब्लैक मैजिक का असर वगैरह करके मार दोगे, लेकिन तुम तड़प 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 के मरोगे और इतनी गंदी वाली मौत आएगी तुम लोगों को जो जिसका कोई हिसाब नहीं होता। खैर वो तो अलग बात है, हम क्या बोले अब। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, क्या रैंडम रीडिंग है बताओ, बिल्कुल वही कैंडल वैक्स वाली आई है, एनवीएस एनर्जीज है। अब क्या बोले हम, ये इसका टॉपिक क्या रखें, क्या हेडलाइन लिखें इसका कि प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। अरे कितना प्रोटेक्ट करोगे अपने आप को, हैं जिसको देखना चाहिए वो तो देख नहीं रहे हैं, कहाँ से हम लोग प्रोटेक्ट कर लेंगे, हैं तो हम इंसान ही, भगवान तो है नहीं। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जितना रेजोनेट हो तो उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ठीक है। और खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड, रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू ऑल, हमारा आशीर्वाद भर भर के है। तो अभी के लिए बस इतना ही।